ब्राह्मण आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, ऊपर से नहीं आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, वो ही आएगा जिसको जिसके अंदर तेजोरी रखी है मन में, वो आके निधि लेने आएगा। हम भी समाज के लोगों को कह रहे हैं सतर्क रहना, बाबा साहब ने कहा था कोई नहीं आने वाला, उसके ऊपर अमल करो और लोगों को अमल करने के लिए आग्रह करो। ये जमाना जागृति का है, ये जमाना विज्ञान का है। इन लोगों ने अपने नाम भी अलग रखे, हमारे नाम भी अलग रखे। एक बात ध्यान रखना, अपने लोग होते हैं वो अपना काम करते हैं, और बड़े लोग होते हैं वो उनका अपना काम करते हैं। हमें हमारे लोगों के अपनों को पहचानना है, अपने लोगों की बात को समझना है, पर समझते भी अमल करना है। दूसरा भी विषय है अध्यक्षीय उद्बोधन में बहुत महत्वपूर्ण बातें होगी। ये जो रिजर्व समय हम रखते हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए, उसमें से हम अभी समय निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया। डेढ़ घंटे के आसपास अध्यक्ष उद्बोधन हमें देखना पड़ता है। हमारे अध्यक्ष उद्बोधन की कई विशेषता है। एक तो सारा दिन आप लोग सुनने के बाद में जब आपकी क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है, तब अध्यक्ष उद्बोधन को बोलने का समय लेते हैं। बैठने की क्षमता समाप्त हो जाती है, सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जो अध्यक्षीय उद्बोधन वाले की कला और मेहनत होती है कि सारी क्षमताओं का पुनरुद्धार करना पड़ता है। आपके अंदर प्राप्त हो क्षमता, अभी युवा जी कह चाय पिला दो, जोधपुर में मैं तो चाय पिलाऊंगा, तो फिर आपके विषय की चाय बना के आ गई है और मैं पीता आ रही चाय आपकी है, पी लाएंगे जरूर, मगर चाय के साथ साथ में जो विचारधारा की चुस्ती जो लेते रहना, विचारधारा एक ऐसी चीज है, हलवा हो चाहे खाना कितना हो आदमी छोड़ देता है। हमारे पास में विचारधारा है, जब अध्यक्ष उद्बोधन आएगा तो आपको चाय और हलवे की कोई याद नहीं रहेगी, और अपना और पारायण का ज्ञान हो जाएगा। और हो सकता आप लोग ही हमको चाय और खाने की व्यवस्था कर लो, आप भी करते हो, आज तक करते आए। हमने बातचीत में लोगों को कभी कहा नहीं कि हम ही करने वाले हैं, आप ही करने वाले। हमने गीता का वो ज्ञान है उसका उल्टा होता है। हमने ये नहीं कहा कि 2000 साल से इंतजार करोगे, मेश्राम साहब आएंगे बिना खड़ा साल करेंगे, आएंगे जरूर, करना आपको ये कुर्सी आपको लगानी है, टेंट आपको लगाना है, माइक आपको लगाना है, सत्य हमारा होगा, विचारधारा हमारी होगी, समय श्रम बुद्धि हुनर पैसा आपको लगाना। ब्राह्मणों का सिस्टम अलग है, वो कहेगा आएगा रहने वाला, लेकिन जिस मंदिर में रखी है ना उसे पेटी के ताला लगा के जाता है, तो चाबी अपने पास में लगता है। लोगों को कहेगा आएगा, और हमें तो समझ में आया, हम भी कहते हैं आएगा, कब आएगा, सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन ताला खोलने के लिए जरूर आएगा। जिस ताले में तुम 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए मेरी डालोगे, वो ताला खोलने आएगा, वो ब्राह्मण आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, ऊपर से नहीं आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, वो ही आएगा जिसको जिसके अंदर तेजोरी रखी है मन में, वो आके निधि लेने आएगा। हम भी समाज के लोगों को कह रहे हैं सतर्क रहना, बाबा साहब ने भी कहा था कोई नहीं आने वाला, उसके ऊपर अमल करो और लोगों को अमल करने के लिए आग्रह करो। ये जमाना जागृति का है, ये जमाना विज्ञान का है, ये जमाना हुनर और कला का है, ये जमाना श्रद्धा और आस्था का नहीं है। आस्था के नाम पे आप चांद पर नहीं जा सकते, आस्था के नाम पर आप सूर्य के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। उनके जमाने में लोगों ने सूर्य को निकलवा दिया, उनके जमाने में लोगों ने चांद को डुबो दिया, उनके जमाने में लोगों ने एक है वो जगह चादर की दांत के ऊपर पृथ्वी को उठा दिया, मगर आज ये नहीं हो सकता। ध्यान रखना, उंगली पे है, अगर किसी ने पहाड़ उठाया होता तो आपको पता है वो आदमी पहाड़ के नीचे गिरता। आज हमारे गांव में इंडियन के अंदर जो महिलाएं खुदाई करती है, मिट्टी निकालती है, और वो मिट्टी निकालते निकालते कभी खुदाई करने में ज्यादा खतरा हो जाता है, तो थोड़ा सा टीला उसके ऊपर गिर जाता है तो भी महिला की मृत्यु हो जाती है। हमारे हनुमान जी से उन्होंने इतना सारा पहाड़ उठवा दिया, आप लोगों ने कभी अंदाजा नहीं लगाया। ये पहाड़ उठाने वाले ब्राह्मण है और नाम हनुमान का ले रहे हैं, दूसरा पहाड़ उठा उठा कर घूम रहे हैं, और हमारे लोगों को कह रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने का मामला है साथियों, और वहां से आपको सतर्क रहने के लिए विषय बनाकर जानकारी दे रहा है।
विषय इसलिए बना रहे हैं कि दुश्मनों के सड़क पर वो सामान्य समाज समझ नहीं सकता। समाज को समझाने के लिए दुश्मन की जो दांव पर जो रणनीति वो कैसे समझी जा सकती है वो उस विषय बना करके जानकारी देने वाले हैं। तो दूसरे विषय है ये सारे आपको भी बताएंगे, साथ में दो विषय और है कि हमारा जो संगठन बढ़ता है तो दुश्मन संगठन के अंदर हमारी ताकत के सामने जो सामना नहीं कर सकता तो षड्यंत्रों से तोड़फोड़ करता है। हमारे लोगों में से जो लालची कोई मिल जाए उसको गदा को काम में लेता है तो गदारों का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। ये संगठन अपने स्तर पर कर रहा है, आपको चिंता लगाने की जरूरत नहीं है। आपको संगठन जो काम बता रहा है वो करिए, बाकी का काम है वो संगठन अपने स्तर पर कर रहा है। आप भी कुछ ऐसा इधर कोशिश किया था गदारों ने तो हमने उनका ये बंदोबस्त किया है। आप लोगों के सहयोग से आगे भी करते रहेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ पर संक्षेप में बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम बनाया हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में हम समाज के साधनों संसाधनों से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम वो लोग नहीं है कि चार महीने खेती करें और आठ महीने बैठ जाए। हम चाहते हैं कि बारह महीने की खेती करें और कुछ फसल बचा के रखें, कभी अगर बारिश नहीं भी हो तो दो तीन साल तक हो अनाज हमारे को खाने पीने की कमी नहीं है। तो ये जो समय श्रम बुद्धि हुनर पैसा है इसमें से आप लोगों ने जो आज आंदोलन निधि दिया है इसमें से हम लोग खर्चा निकाल करके खर्चे सहित 55,000 रुपए आंदोलन निधि दे रहे हैं जिसमें कि हमारा खर्चा है वो 10-12 हजार होगा। बाकी हरा सारा संगठन को निधि दे रहे हैं और इस निधि में 5,000 रुपए बाराबंकी जिले से आई है, 3,000 रुपए बीकानेर से आई है, 5,000 रुपए जैसलमेर से आई है और 3,500 रुपए के आसपास यहाँ के राव जी ने निधि संग्रहित की है। जिले से यहाँ 2,000 जो कुछ डॉक्टर साहिबान से दिया है और इस तरह से जो हमारे को निधि आई है उसमें से हम लोग ये आंदोलन निधि है वो खर्च सहित 55,000 देने की घोषणा कर रहे हैं। मैं नाम पुकार रहा हूँ डॉक्टर कीर्तिनाथ देवे मैडम, डॉक्टर पूर्ण आर्य जी, गजेंद्र मेघवाल और मान्यवर वजीरा राम जी मीणा साहब, दुभा जी राठौर साहब और ये मंच पे आए और आंदोलन निधि सैंपल के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर विलास प्रसाद साहब को आभार करें और उसके बाद में अध्यक्ष ही उद्बोधन होगा। चाय आपके लिए आ रही है, आप चाय पीते हैं और अध्यक्ष ही उद्बोधन का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। मैंने जिनके नाम होगा वो मंच आ जाए। सभी तीनों जो महिला आती थी वो भी निधि देने में साथ में लोनचंद जी सिनाड़िया।